चाला कमाल पड़ा रहा है ये देखो पूरा में। लेट्स सी क्या होता है। एक तरफ से धूप आ रही है, एक तरफ से बारिश गिर रही है, देख रहे हो। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने हॉरर से रूम में। अब देखो यहाँ पे पूरा हॉरर वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन ये रहा मेरा रूम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी का है। सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मौज में होंगे। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई मैं कहाँ रुका था, रुका हूँ फिलहाल। यहाँ बह हुई थी बारिश, तरीके की बारिश हुई थी, आप खुद देख सकते हो। बहुत मोटे मोटे बूंदे गिरी थी सुबह सुबह, तेज तेज से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी सब शांत हो गया। अब मैं जाता हूँ रनिंग करने के लिए। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बारिश नहीं हुई यार, मज़ा नहीं आया, पूरी बारिश हो रही। और देखो मच्छर भी है साला, इसका जो है पीछे का साइड अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पूरा जंगल उंगल है। यहीं पे दो ही हैं, दो से तीन ही कॉटेज है यहाँ पे। एक ये वाला हो गया और एक दूसरा ये वाला जहाँ पर अपन रुका हूँ, मैं यहाँ रुका हूँ ये वाला। उसके अलावा जो तीसरा है उस साइड में, आई थिंक वो बहुत कम चलता है, मतलब चलता है नहीं चलता है, रनिंग है, क्योंकि वहाँ पर मैंने लोग कभी देखे नहीं। तो ये रही लोकेशन और ये रहा लेक। इस लेक का नाम है सात ताल और ये मच्छर। दोस्तों फिलहाल मैं होता हूँ रेडी फटाफट से, क्योंकि मैंने जाना है अपना रनिंग वनिंग करने के लिए। करते हैं कुछ वर्कआउट वगैरह, लेट्स गो एंड डू समथिंग। तो दोस्तों अभी मैं चल दिया वर्कआउट करने, और अगर आप देखोगे तो यहाँ भाई पूरी की पूरी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, यहाँ लिफ्ट नहीं होती। और ऊपर वाली मंजिल में हूँ मैं, नीचे आके आपको दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। पूरे का पूरा रिजॉर्ट चारों तरफ से जो है अपना जंगलों से घिरा हुआ है, सामने लेक है और चारों तरफ जंगल, पीछे का एरिया भी आप देख सकते हो। दोस्तों बैग पैक करके निकल चुका हूँ फिलहाल, सुनसानी बहुत है यहाँ पे, चूचा चूचा चिड़ियाँ चहकने की आवाज़ आ रही है बस, बढ़िया। ये देखो एकदम सुनसान, ये मस्त जंगल है भाई, लेकिन सारा जंगल है बंदर है, मतलब बंदर ही होंगे, डराने के लिए आते हैं यार ये बंदर, ऐसे कर रहे हैं, काट दिया। तो फाइनल दोस्तों आ चुका हूँ मैं लेक साइड पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा है ना व्यू, अब आ रहा है नज़ारा भाई साहब, क्या मस्त, क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ये। और ये है अपना सात ताल, वहाँ पर मछली उछली है, पानी की बीज बीज, और ऐसा मतलब ये छोटा है, छोटा है काफ़ी, लेकिन इसका जो शेप है वो थोड़ा सा अलग तरीका है, आधा इस तरफ को है, आधा वो वहाँ पर थोड़ा सा कम एरिया है, उसके उस तरफ को भी आधा है। तो ये है अपना सात ताल। अभी आप सुबह सुबह का नज़ारा देख रहे होंगे, वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी गिर रही है उस साइड में, रोशनी गिर रही है शायद, हाँ, तो वहाँ पर जो चमक रहा है बीच बीच में, और ऊपर देखो बादल लगे हुए हैं, नीचे पानी, तो ऐसा लग रहा है देखो ये उल्टा सीधा देखने को एकदम से, कैसा लग रहा है, मतलब वो मिरर जैसा, पानी ने एकदम मिरर कर दिया है ऊपर की जो जितना अपना इमेज है उसको, ये ऐसा लग रहा है दोनों आपस में चिपके हुए हैं ये। तो मैं पहले एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, फिर कर लेते हैं जिम। फिलहाल के लिए मैंने अपना जो बैग है यहाँ पर छोड़ दिया है, और इस बैग में अभी ये मान लो ₹4.5 लाख का सामान पड़ा है इस बैग, और तुम्हारा भाई ऐसे छोड़ रहा है इसको। क्योंकि मैंने रनिंग करने के लिए आना है भाई रोड में, तो देखते हैं रिस्क पे, छोड़ना तो पड़ेगा, 4 लाख का माल पड़ा रहेगा देखो पूरा में। लेट्स सी क्या होता है, तुम्हारा भाई तो जाएगा रनिंग के लिए। दोस्तों रनिंग में तुम्हारा भाई ने कर दिया स्टार्ट, अब तुम लेते जाओ नज़ारे, दौड़ तो हिलेगा लेकिन भाई आंखों के नज़ारे हैं, आंखों से मैं ये सब देखते हुए दौड़ रहा हूँ। ये पार आ चुका हूँ भाई, अब तुम्हें दिखाऊँ मेरा बैग कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे को खुद नहीं दिख रहा, जूम कर रहा हूँ, उधर कहीं पड़ा हुआ है सामने, दिखेगा नहीं लेकिन वहाँ पर उधर ही पड़ा हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से नज़र रख सकता हूँ कि कोई उस जगह पर आए तो मैं यहाँ से भागते हुए जाऊँगा। फाइनली भाई रनिंग कंप्लीट करके तुम्हारा भाई आ गया वापस से, और बैग हमें हमारा सही सलामत मिला है। अभी इसके अंदर क्या क्या सामान पड़ा है तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। धूप की किरणें यहाँ पर पड़ने लगी हैं, और मुझे यहाँ पे सूर्यदेव भी दिख रहे हैं, और पहली पहली धूप की किरण इस साइड पर गिरी, देखो क्या मस्त सा व्यू आ रहा है यहाँ पे। फाइनल दोस्तों वर्कआउट अपना ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही है, ये मुझे लग रहा है जंगली हिरन है, तो कहीं से आ रही है आवाज़,
वर्कआउट हो गया ख़त्म, अभी मैं क्या करूँगा, अपन थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पे सब पूरी शांत जगह है, तो यहाँ पे मेडिटेशन करने वाले की मज़ा आएगा। मेरे को बढ़िया बीच वाला फील ले रही है, अपन यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं बढ़िया मेडिटेशन। ये भी बैठता हूँ भाई, दोस्तों अभी अपना वर्कआउट वगैरह फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। और अभी मैंने आपको इस साइड से एक लेक व्यू दिखाया था जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था, जिसमें पूरा लेक यहाँ पर सात ताल दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम लोग घूमते हैं उस जगह से शॉट लेता हूँ, वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर सबसे बढ़िया शॉट, मतलब बढ़िया लोकेशन कौन सी है। इस जगह पर मैक्सिमम जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो घूमते हैं, टूरिस्ट नहीं, आप ही कहोगे कि जो वो वाले कपल्स हैं ना, आपके इनकी शादी होने वाली होती है तो प्री वेडिंग शूट के लिए इस जगह पर आते हैं। बहुत बेस्ट लोकेशन है फॉर द प्री वेडिंग शूट, सात ताल की, सॉरी हाँ सात ताल की। इसके बाद मैं यहाँ पर आज वर्कआउट ख़त्म करके कल के दिन में मैं, मतलब अभी इस दिन में मैंने दूसरी जगह जाना है जो कि है जस्ट लेक के बगल में मेरा कॉटेज है, उसको कहेंगे नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जाना है, कल मेरे को मिल नहीं पाया था, आज के लिए मिल गया तो मैंने आज ही देरी करवा लिया सात ताल में। ये देखो आ गए यहाँ पर लोग, काफ़ी आ गए फिलहाल के लिए। दोस्तों ये जो जगह है, मैं अभी साथ जो अपना सात ताल है उसकी दूसरी लोकेशन दूसरी साइड पर था और अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड। और यहाँ पर मैक्सिमम बोटिंग इस साइड पर होती है और आप जैसे यहाँ पर बोट्स वगैरह देख रहे होंगे, तो इधर पर थोड़ा सा और भी है, मतलब मैंने आपको बताया था ना दो साइड में ताल है, उस साइड को भी फैला है, उस साइड को फैला है, बीच में डिवाइड हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड टाइप का तो है, तो यहाँ पर पुल टाइप का एक बना हुआ है जहाँ पर बच्चे आ रखे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से भी आपको इस ताल का व्यू देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत शांत है और बहुत पीसफुल जगह है। आओ यहाँ पे भाई घूमो फिरो, है ना, वीकेंड पर वापस गंदगी मत मचाओ। दोस्तों वर्कआउट वगैरह ख़त्म करके मैंने बढ़िया नहा धो लिया और मस्त ठंडे हल्का गुनगुना पानी था, उतना भी ठंडा नहीं था, उससे नहा धो के अभी मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने फटाफट से। इतनी एक लाख सीढ़ियाँ चढ़ गई, एक लाख करोड़ सीढ़ियाँ चढ़ गई, तीन मंजिला भाई साहब। जिसको अगर वर्कआउट करना है सुबह दो राउंड मार लो वर्कआउट करना। दोस्तों तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हूँ अंदर, तो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं होता, लेकिन बाहर बैठा हूँ, बाहर होने वाली है भयंकर तरीके की बारिश। ये देखो ऊपर देखो भाई, ये पूरा का पूरा मौसम बदल रहा है, बारिश होने वाली है, मज़ा आ जाएगा आपको। और इसके बाद जिस जगह पर मैं जाने वाला हूँ वहाँ तो मैं देख के मज़ा आएगा, जस्ट लेक के बगल पे। और ये देखो कितनी तेज़ आ हुआ तूफान आ रहा है पूरा, ये देखो तूफान आने वाला है भाई, अपन तो उड़ने वाले हैं अभी, तो अपना ब्रेकफास्ट भी आ रहा है फैना फिलहाल, ले आओ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट से मैंने यहाँ पे पूरी भाजी और उपमा मंगाया हुआ है, मतलब ये इनने सर्व किया था, और जो उपमा है वो बड़ा टेस्टी है, पूरी भाजी मैंने टेस्ट नहीं किया, देखते हैं इसका क्या स्वाद रहता है। जिस हिसाब से मौसम लग रहा है उस हिसाब से मौसम के साथ तो इसका स्वाद और भी बढ़िया है भाई। दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो हो चुका है, यहाँ पर बारिश होने लगी है, पीछे आप देख रहे हो, ये देखो बूंदें गिर रही हैं दबा के। और मैंने ब्रेकफास्ट भी बारिश में ही करा, मैं पहले उधर बैठा था, इस वाली चेयर पर बैठा था, और इस वाली चेयर से मैं इधर आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर अपने ऊपर छत है, तो यहाँ पर मैं भीगूंगा नहीं लेकिन फील पूरा लूँगा यहाँ पर बारिश में ब्रेकफास्ट करने का। मशरूम के बारे में मैं मल्टी विटामिन है, इस मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकता है। देखो बारिश गिर रही है, धूप भी गिर रही, धूप भी आ गई, बारिश भी आ गई, बढ़िया रही, खतरनाक मौसम हो रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त, अभी तक मौसम बदल गया एकदम से। लो भाई पूरा मौसम बदल गया, अभी धूप आ गई, धूप में बारिश, ये एक तरफ से धूप आ रही है, एक तरफ से बारिश गिर रही है, देख रहे हो खतरनाक मौसम हो गया। दोस्तों नीचे गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, बढ़िया मौसम बदल गया था, भयंकर बारिश के आसार लग रहे थे, ऊपर आया धूप आ गई, क्या ही कहें, देख रहे हो ये सूरज निकल चुका है तो आप ऊपर से चमक गया सब। फाइनल दोस्तों यहाँ से चेकआउट करके मैं जा रहा हूँ अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है नौकुचिया ताल। तो यहाँ अपना हो चुका है चेकआउट, कर लिया मैंने अपना सारा सामान गाड़ी की डिक्की में फुल, और अपन अब निकलते हैं नौकुचिया ताल को। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मुझे ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आएगा।
दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे भीमताल। मैं इस साइड को नहीं आया था, हमेशा वहाँ से चले जाते हैं, वाला जो रास्ता है वहीं से निकल जाते हैं उस साइड को। इस साइड को नहीं आते क्योंकि अभी मुझे नौकुचिया ताल जाना है, तो मैं ये वाला जो इधर से क्रॉस करके फिर यहाँ से होते हुए मैं नौकुचिया ताल जाऊँगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास है मुझे ऐसा दिखा रहा है। तो ये रहा भीमताल भाई, यही बहुत बड़ा ताल है। अब अभी हम 7 ताल में थे, 9 ताल तो आप सब लोगों ने देखा ही है, मैं बहुत बार गया हूँ। तो अभी भीमताल आ चुका हूँ और यहाँ का व्यू देखो बहुत ज़बरदस्त ताल है, शानदार। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बोटिंग वगैरह होती है और ये बलून वाला देखो, इसके अंदर जाओ फिर घूमो है ना, इसको घुमाओ, इसमें बैठ के भैया बत्तख बन जाओ, और जैसे वो बनने पड़े हैं बत्तख है नहीं। तो यहाँ बोटिंग वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है नैनीताल में एंड उसके बाद यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी सारा ट्रैफिक और सिंगल लेन वाला रास्ता है, तो उसको क्रॉस करके मैं आया हूँ नौकुचिया ताल पहुँच गया हूँ। उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये है यहाँ पर लोटस लेक। देखो जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर लोटस होता है ना, कमल के फूल होते हैं यहाँ पे। अभी मतलब होंगे कि आपको पता ही होगा कि कीचड़ में होते, तो यहाँ पूरा कीचड़ वाला एरिया है, अंदर दलदल कीचड़ टाइप का है, ऊपर ऊपर पानी है। तो यहाँ पे अभी लगने वाले होंगे जिस तरीके से पेड़ आज निकल रहे मतलब बंद हैं, तो अभी तो शायद एक भी नहीं दिखा मुझे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होंगे, मतलब बहुत जल्दी उग जाएंगे, उग जाएंगे तो बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता है, बहुत बढ़िया मस्त लगता है। मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाता हूँ यहाँ से, इसको जस्ट पार करके वो वाला जो एरिया है वो है नौकुचिया ताल, उसके ही कोने पे ही मेरा जस्ट रिजॉर्ट है, चलो वहीं चलते हैं। तो आगे जाके जो नौकुचिया ताल पे, यहाँ पर रास्ता अपना जो है ख़त्म हो गया पूरा, और वहाँ से आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब ये मान लो 500-600 मीटर मेरा जो लेक व्यू वाला रिजॉर्ट है। लेकिन मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको पीछे जाके एक जगह से रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी पूरा रिजॉर्ट तक आ जाएगी, तो वहाँ मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि आगे से रास्ता है नहीं, वहाँ पर अपना रास्ता ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तंग गली से अपने रिजॉर्ट की तरफ, जो कि जो यहाँ का मेन रोड है इस नौकुचिया ताल को आने का, वहाँ से साइड को कट जाता है, बोर्ड लगा है वहाँ पर, मैंने मिस कर दिया था। तो ये देखो भाई, ये बहुत बहुत पतली गली है, अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो मुझे कहीं ना कहीं गाड़ी को फिर दबाना पड़ जाएगा। यहाँ से जा रहा हूँ मैं जंगलों के बीच से होते हुए, यहाँ पर रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है मुझे लग रहा है। फाइनली गाइस अपन पहुँच चुके अपना जंगलों के बीच से, रास्ते से गुजर के अपना लेक व्यू वाले रिजॉर्ट में, कार वॉशिंग भी है यहाँ पर मुझे लग रहा है ये, क्योंकि इसके आगे अब रोड नहीं है ये। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल मैं आ चुका अपने हॉदर से रूम में, अब देखो यहाँ पर पूरा हॉदर वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन ये रहा मेरा रूम, और इन्होंने मेरे पास यहाँ पे ये रहा रूम, और इसके यहाँ से अगर दरवाजे खोले तो मेरे को इनने दे रखा है फॉरेस्ट फेसिंग, मतलब जो जंगल वाला ये लेक व्यू रिजॉर्ट है, यहाँ से मतलब पीछे को क्या है जंगल फॉरेस्ट फेसिंग दे रखा है, लेक उस तरफ को है। ये मेरे को पीछे वाला रूम मिला क्योंकि ये पूरा का पूरा फुल बुक है। मैं कल ले लेता लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कल अवेलेबल ही नहीं था, तो अपन ने आज के लिए इसको मतलब वीकेंड जैसे अपना हो चुका है, एक दिन हमने वहाँ ले लिया, आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे आज के लिए मेरे को यहाँ एक रूम मिल गया है ना। और ये है पूरा यहाँ का रूम आप देखोगे तो ये, और इससे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये देखो, ये खतरनाक वाला हुआ है बोले तो क्या है, बाहर का नज़ारा इस कदर मतलब बहुत ज़बरदस्त है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। वहाँ पर सब बैठे हुए, यहाँ पर मॉन्क लोग भी आए हुए हैं, उनको ऐसी पीस चेयर होता है, मैंने अभी देखा वहाँ पे एक चेयर पे बैठे हुए थे, अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है। और पूरा फैमिलीज आई हुई है, पूरा ऑक्यूपाइड है, मतलब फुल बुक, मज़ा बड़ा आएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाहर, मैं थोड़ी देर आराम किया था अपने रूम के अंदर, अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैं ये रास्ता है यहाँ से नीचे को, एंड फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू रीच दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोले तो ये देखो मज़ा ही आ गया। वहाँ जाऊँ क्या, चलो वहीं चल ले जाता हूँ। ये देखो भाई क्या मस्त जगह है, ये अपना पूरा इसके ऊपर पूरा रिजॉर्ट है यहाँ पे, और ये बढ़िया सी जगह, काम करने में मज़ा आता है, पीस माइंड सेट दिमाग सही चलता है ऐसी जगह में, बहुत ज़्यादा दिमाग सही चलता है। क्योंकि अप्रैल से अपन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए काम, नए फाइनेंशियल ईयर में, तो पीस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब आप आवाज़ सुनो, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आएगी यहाँ पर। और ये लो, अब मैं दोस्तों यहाँ से आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट, जो कि यहाँ इवनिंग का व्यू है इस जगह से, मेरे रिजॉर्ट से, और
काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा आपको नज़ारा यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी कम नाव चलती है, बट फिर भी वीकेंड में यहाँ पर रश रहता ही रहता है, क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ने वाली है इस साल, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है, होली जस्ट ख़त्म हुई है तो गर्मी बढ़ गई है, तो यहाँ पर वीकेंड पर रश है, बाकी आप नज़ारा पूरा का पूरा देख सकते हो।